नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच साला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए भाई, हार्टोन को लेकर जिक्र चला हुआ है, आप लोगों की धड़कनें बढ़ी रहती हैं कि ज्वाइन होगा नहीं होगा। अब आचार संहिता लागू है, वैसे तो आचार संहिता का सरकार देखा जाए तो अच्छे से पालन भी नहीं कर रही है, आपको भी पता है। और आपको पता है सीटी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 5-6 नवंबर को, फिर चार सीता क्या तबादले हो रहे हैं आईएएस ऑफिसरों के, ठीक है, तो भी इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन हर जगह पिसता क्या है, जहाँ पे गरीब हो वही पिसता है। जहाँ पे सरकार को ज़रूरी है ये काम करना है तो वो करती है, वो घोषणाएँ कर रही कहीं कहीं जाके, जैसे अभी आपने देखा भी होगा ट्विटर पर भी आप देखते होंगे। तो पहले बात तो ग्रुप में एक भाई का भी ऑडियो आया हुआ है, उन्हें जो 4-5 दिन पहले बात की थी हार्टोन में ज्वाइनिंग को लेकर, उनको भी यही कहा गया कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और जैसे मेरी भी आज बात हुई थी तो मैंने जैसे भी तैसे करके बात की है, तो उन्होंने यही कहा कि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो ज्वाइनिंग अभी नहीं करवा रहे हम, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ी नहीं है ज्वाइनिंग की। और जैसे ही अगला महीना शुरू होता है यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हम लगभग सभी जिलों से डिमांडें जो आ रही है तो हम उनको ज्वाइनिंग करवाएंगे। और पूछा गया कि भाई क्या जो वेटिंग वाले हैं उनका है, तो उनके बारे में भी यही कहा कि भी ज्वाइनिंग करवाएंगे, उनका नंबर आएगा तो ज्वाइनिंग करवाएंगे, कॉल कर देंगे। तो कुछ साथियों को एक सवाल भी आता है कि पंचकूला में ज़्यादा ज्वाइनिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, पंचकूला एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पंचकूला चंडीगढ़ में ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, तो इस कारण वहाँ पर ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ज़्यादा है, हेड ऑफिस ज़्यादा है। यदि एक हेड ऑफिस में क्या आपका 6-6, 7-7 कैंडिडेटों की जरूरत हो, ठीक है। तो फिलहाल यही सूचना थी, अगर आपने भी कॉल की है तो आपको क्या रिप्लाई मिला आप भी कॉमेंट करें ताकि अन्य साथियों को पता चले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।